जम्मू में डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस बात की जानकारी हम आज आपको देना चाहेंगे। इस समय हम ठीक जम्मू के बलिदान स्तंभ के सामने, जो कुछ ही देर पहले एक बहुत ही खूबसूरत कहें या शानदार कहें, एक बेहतरीन पार्क कहें, वो जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया था। और आप लोग भी जब नरवाल से या फिर बावे से यहां से अगर निकलते होंगे तो आपने भी कई बार इस पार्क को देखा होगा और आपने भी ये सोचा होगा कि कहीं ना कहीं आप भी जो है वो जरूर एक बार इस पार्क में हम जाते हैं और वहां पर जो है वो सेल्फी जरूर लें। लेकिन अफसोस की बात है कि यहां पर जो है वो रेलवे की तरफ से कुछ मार्क यहां पर लगाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पार्क को जो है वो तोड़ा जाएगा, यानी कि एक बहुत ही मेहनत के साथ और लोगों के पैसों के साथ इस पार्क को बनाया गया था। लेकिन हैरानगी की बात है कि अभी ठेकेदार को भी, जिस ठेकेदार ने यहां पर इस पार्क को बनाने का काम किया, इस पार्क को खूबसूरत तरीके से बनाया सजाया, लेकिन अब उस ठेकेदार को अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं। लेकिन इस पार्क को तोड़ने की तैयारी जो है पहले से ही शुरू कर दी गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, हमारे साथ यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ये काम करवाया वो हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, ये क्या सुन रहे हैं हम के यहाँ पर कुछ रेलवे वालों ने कोई मार्क वगैरह लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि इसको हम तोड़ देंगे पार्क को, क्या रीजन? 5-10 फुट अंदर लाएंगे ना, 10 फुट तक। ये क्या बनाने जा रहे हैं? ट्रैक बनना, ट्रैक। जब आपने ये पार्क बनाया उस वक्त पूछा था आपने इनको? नहीं, वो सानू परमिशन है ना, पहले कोई पता नहीं सानू, पहले नहीं बोले कुछ? पहले किसी ने, पहले मतलब परमिशन, नक्शा वगैरह जो भी आप पास कीते सब कुछ ओदे बाद होया। तो नक्शा तुसा कोई इकल्ले ने पास नहीं कीता ना, ओदे विच सरकारी मुलाजम भी उन्हें सारा देखे होना, जो उस है ना, जो महकमे ने दिता डिजाइन वो उस हिसाब नाल। सर, इन्नी मेहनत तुसा लाई है, इन्ना खूबसूरत पार्क बनाया और हर कोई जड़े भी दिखा, इन्नी गड्डियां निकला दियां इथा, सामने बलिदान स्तंभ है, इथे जाओ तो बावे वाली माता, तो इन्ने मतलब इतना जाओ तो बहु प्लाजा की रोड जाना, यूनिवर्सिटी की जाना, लेकिन आज इस पार्क की जड़ा है मतलब उन तोड़ने का काम, मतलब रेलवे ट्रैक है, गवर्नमेंट की जगह दी है, गवर्नमेंट की मर्जी है, ट्रैक बनाना तो आना जरूरी है। पेमेंट हुई थोड़ी? पेमेंट साड़ी नहीं हुई, पेमेंट लैनी, पेमेंट हो दी नहीं आया तो तोड़ नहीं पाना चले गए, पर महकमे की मर्जी है क्या कर सकते हैं, और रेलवे भी है सर, गवर्नमेंट का काम है ना, रेलवे भी जरूरी है, रेलवे भी ट्रैक बनाना जरूरी है। महाराज, इंडिया गल्ला सुनिए, इं लगता कि शायद साड़ी जम्मू कश्मीर की गौरमेंट है या जी सेंटर की गौरमेंट है, इन्हें कोई तालमेल ठीक नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी वाले जरा इन्ना अच्छा प्रोजेक्ट इतना बनाया, लेकिन उन्हें रेलवे वाले भी अपना काम ठीक कर रहे, अस भी उन्हें गलत नहीं आखी सकते, लेकिन उन्हें यह चीज़ जी पहले सोचना चाहिए, जिस वे बेचारे काम कर रहे उस वे उन्हें चाहिए कि इन्हें रोकना चाहिए कि नहीं भाई, ये कुछ ना कुछ है, ये तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, तो कोशिश है कि जम्मू के समाट बना जाए, जगह जगह तो देखो खूबसूरत लाइटां, खूबसूरत फाउंटेन लगे रहे, खूबसूरत जो पार्क बनाए रहे, अलग अलग किस्म के फुल वगैरह इन्नी सजावट की जा दी, लेकिन हैरानगी की गल है कि जिन्हें बेचारे ठेकेदार हैं स्मार्ट सिटी के काम किया है, उन्हें पैसे भी नहीं थोए रहे इस काम के, लेकिन तोड़ने वाले महाराज पहले आई बुलडोजर ले है, तो हूँ क्या आखना चाहिए, कोई पेमेंट वगैरह कोई कोशिश कर, महकमा कहता दे देंगे पैसे, दे देंगे, उससे पहले तोड़ देंगे तो चलो उनकी मर्जी है, पैसे देंगे, पैसे दिया दिखाया कुछ दस उन्हें कि भाई मैं सारा काम दिख लियो कल के ऐसा नहीं हुआ तो सको कि नहीं मारा थोड़ा पार कितने तक गया ना, उन्होंने वीडियो शुरू बनाई लेती है, बनाई लेती है स्मार्ट सिटी वीडियो बनाई लेती है, ये भी बड़ी बनाई लेती है, तो बिल्कुल जम्मू वालों के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर भी है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत एक बहुत ही बड़ा शानदार पार्क यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन आज रेलवे की तरफ से जो ये निशान कुछ यहां पर लगाए गए हैं, इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो काम यहां पर करवा रही है वो कहीं ना कहीं आपस में जो है वो तालमेल नहीं है, और जिसकी वजह से लोगों का पैसे का भी सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा है। आखिरकार इतना था ही क्या, अगर पहले ही रेलवे को ये पता था, अब रेलवे ने भी कोई अचानक ये सब, तो क्योंकि पार्क तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बना, तो रेलवे ने भी इतनी जल्दी तो किया नहीं होगा, उन्होंने पहले का सोचा होगा, लेकिन अगर उन्होंने पहले का सोचकर रखा था तो इस पार्क को यहाँ पर जो है वो इनको थोड़ा आगे जाने से जो है वो रोक देना चाहिए था, ताकि आज जो इस खूबसूरत पार्क की जो इतनी खूबसूरती है वो अगर खराब होगी तो जम्मू की जनता के साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार से अपील है, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, कि जब आप कोई इस तरह की चीज बनाते हैं जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए, तो उस पर सोच समझकर विचार होना चाहिए, हर एक के साथ मीटिंग होनी चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि जब आप इतना सारा पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में इस तरह से जो है वो उसको तोड़ा जाए, और लोगों के पैसे का जो है वो कहीं ना कहीं ये कहें कि गलत इस्तेमाल भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने तो अपना काम किया था कि अच्छे से पार्क बनाया था, और आप हम ही नहीं कह रहे बल्कि ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं या फिर जो किया हुआ काम है ये समाज सिटी का यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन
क्या करें, रेलवे अपना काम करेगा और एक बड़ी लाइन जो है वो यहाँ पर बिछने जा रही है। और आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्या ये सब होना सही है या गलत है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। Thank you.